है दिवाली आना तो सब जने हम रेडी होके जाने वाले हैं भाभी को लेने के लिए। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने साड़ी तो पहन ली है, आप देख सकते हो। और अब मेकअप कर रहा, अभी रूम में मैं सो रखा है क्योंकि मैं और चुकी दोनों साथ में रेडी हो रहे हैं। अगर मैं रेडी हो चुकी होती वो हो रहे तो ऑब्वियसली इतना तो मैं सोता ही, पर वो हो रहे हैं इससे ज़्यादा मैं से। मैं तो रेडी हूँ कब से। कहीं नहीं रहने दो, अभी मैं हो रही रेडी, मेकअप कर रही हूँ फाउंडेशन लगा दी है मैंने, काजल लगा देती हूँ, ज़्यादा कुछ भी लेके नहीं आई, ऑनली लिपस्टिक और काजल ही लेके आई थी। तो फटाफट से कंप्लीट रेडी होती हूँ। तो मैं नीचे आ गई हूँ, चिकू भी यहाँ पर कंप्लीट रेडी है, यश भी रेडी है, क्रिश भी रेडी है, परी भी रेडी है, हाय करो यार। हाय। और ये हमारी क्यूटी पाई गर्ल भी रेडी है। 15 मिनट के बाद निकलेंगे बाहर जाके, बाहर जाके देखो सी, पापा को पूछो सी, सब जन इकट्ठे हो गए क्या। ये हमारी कार रेडी हो गई है, सब जने आ रहे बड़ी गाड़ी में, हम 3-4-5 जने जो भी हैं वो कार में जा रहे हैं। ये यहाँ पर मेरे वोर राजा गाड़ी चला रहे हैं, एक वोर राजा बैठ गए आगे दुल्हन को लेने जाने के लिए, और सब जने यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो इधर बाहर गाड़ी में सब जने अभी बैठेंगे। काम आ चुकी है हमारे और आगे तुरंत तकिया लेके बैठ गई है, यानी नींद अभी तक अधूरी है और औगड़ तो दिख रही है। बोलो शिव शंकर बोले नाथ की जय। फाइनली हम लोग खेड़ा आ गए हैं। तो ये क्या है, ये रणसागर है, ये डेमो है ये रणसागर क्या इसका, ये बीडी। तो हम आ चुके हैं ये खेड़ा, भाभी का घर, और अभी हम अंदर जाएंगे। यस बुला रहा है फोन से, उतावला हो गया है वही तो, इतने उतावले। आपके शर्मा रहे हुआ जितने तैयार होके बैठे बाहर, क्या करते बाहर कुछ जाएगा बच्चे। यहाँ पर हो रहा है अभी थोड़ा बहुत रिचुअल, और हम तीनों जने यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हम बैठ के उड़ा ये डांगा मत। इट्स हमारी भाभी, इट्स योर चाची, चाची फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कहाँ पर है खाने का कुछ पता है, खाने का कहाँ पे है? बस चलिए जाइए कहीं पे भी, आपको टेंट नहीं चाहिए वहाँ पे घुस जाइए। सब जनों को आ जाने दीजिए, फिर चलते हैं अकेले अकेले जाते रहेंगे। देखो ये तो, हाँ वो रहे तो साइड है। अरे ये मुस्टंडे भतीजे आ चुके हैं। तू तेरा ब्राउन मुंडे रहते हैं दोनों गोरे ही है। यू आर हस्बैंड। यहाँ पर ये खाना भर के आ चुका है, और राजा और जय जी दोनों बैठ के खा रहे हैं, मैं भी चिकू के साथ ही खा रही हूँ, चिकू प्लेट में ले रहा है। ब्लॉग मैं कभी शर्मा तो नहीं कर रहे। सो फ्रेंड्स हम यहाँ से हो गए हैं फ्री, अब जा रहे हैं सब जने घर पे, यहाँ पर असेंबली चल रही है सबकी। एक ऐसे क्या जाना है बता दो। कोई नहीं, अभी एक और ट्रैक्टर आ रहा है, मुझे मारते हुए जाना है। दुल्हन हमारे साथ आ चुकी है, ये यहाँ पर यश देख, खुशी देख सकते हो चेहरे पे, और अलग ही लेवल के। हम चारों जने पीछे बैठे, कैसे बैठे हैं अब वो भी देख सकते हो, कसमजो स्टाइल बिल्कुल, और वो दोनों आगे मस्ती से बैठे हैं। वहाँ से आने के बाद घर पे आ गए, और घर पे आके क्या हालत, यानी थक गए, काम कुछ भी नहीं था पर थक ज़्यादा गए बहुत ज़्यादा। तो अभी जी को यहाँ पर बेड ऊपर रूम में रेस्ट कर रहे हैं, मैंने चेंज कर लिया, अब नीचे जाती हूँ, नीचे खाना बन रहा है,
सुबह खाना वाना खाते हैं, अभी तो बन रहा है, नीचे बातें बातें करते हैं, सब जन इकट्ठे हुए हैं आज। इसके जीजू के साथ में पूरी पलटन सेट हो गई है यहाँ पे। ये हमारे आए नहीं, आप दिवारी आने में क्यों नहीं आए? सब थक हार के ऐसे बैठे। ए वे तू क्यों नहीं आया? तू क्यों नहीं? बहुत थक गई, नीचे खाना बन गया, खा लेते। सो फ्रेंड्स, अब जाने का टाइम आ गया है, खाना खा लिया है और पापा मम्मी और चिकू के लिए खाना ले लिया है, क्योंकि मम्मी ने कहा कहाँ घर पे जाके वापस बनाएगी, सो ले लिया है। मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे हैं, चिकू गाड़ी में बैठ गए। मैं ये जूते लेने आई थी चिकू के। अरे घर से अलविदा ले लिया है, अब ऋषभ देव के लिए जा रहे हैं। चिकू और हम दोनों बैठे हैं पीछे, क्योंकि यस जब ड्राइव करता है इसका कोई ना कोई फ्रेंड होता है, इसलिए हमारा नंबर कम होता है आगे बैठने का। भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं। घर पे आ चुके हैं हम दोनों। बहुत सारा सामान था इसलिए मैं सामान के साथ व्लॉग नहीं कर पाई। यश और इन दोनों को पिन वो कर दिया, बाय बाय। और अब हम दोनों जने जा रहे हैं शॉप पे। चलो शॉप पे जाके अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। दिवाली पर बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया है और धनतेरस के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है खरीदने के लिए। जो आपने फ्रेम देखी थी करवा चौथ पर, चिकू ने मुझे गिफ्ट की थी, उसमें बहुत सारे नव पंचाल ज्वेलर्स पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारा लॉट ऑफ स्टॉक है इसका, आप एक एक तस्वीर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी है। इसके अलावा और भी साइजेस में भी अवेलेबल है और अलग अलग टाइप की वैरायटी है। अगर आप धनतेरस पे इस टाइप का कुछ खरीदना चाहते हो तो नव पंचाल ज्वेलर्स पर विजिट करो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ज्वेलरी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कभी एकदम सबसे अल्टीमेट फ्रेम आपको दिखने जा रही है अभी। वैसी तो है पर बड़ी है ना, बहुत शानदार लग रही है। फिनिशिंग आप देखो, डिटेलिंग कितनी है। राम दरबार, राम दरबार बहुत जोरदार लग रही है। नहीं मस्त, एक फिनिशिंग आप एक एक देखो, कितनी गजब की फिनिशिंग है। मेरा परफ्यूम मैं शॉप से लेके आई थी, चिकू को दिया, चिकू शॉप पे यहाँ पे भूल गए थे। बहुत जोरदार परफ्यूम है ये, बेला विटा लग्जरी हनी ओथ। बीना दीदी भी ले गई, बीना दीदी भी बहुत अच्छा लगा था ये। दिवाली का डेकोरेशन पूरा चेंज हो गया, पूरा पिंक कलर हो गया। घर पे आने के बाद पूरे दिन से बड़े थक गए थे तो अब सो जाते हैं, और सोने से पहले हमने डिसाइड किया है कि एक मैं देख रही थी वेब सीरीज़, उसका नया सीज़न आ गया तो वो देखूंगी पूरी रात मस्त, फिर जब नींद आ जाएगी तब सो जाऊंगी। यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल।